लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, जब आप बोलते हैं नीतीश कुमार जी को आप सीधे जिम्मेदार, कहीं ना उसमें मेरे पक्ष को कमजोर आंखा जाता है। मैंने चुनाव में भी इस बात को हमेशा कहा कि मेरा नीतीश कुमार जी से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, मैं उनके मुद्दों का विरोध करता हूं, मैं उनकी नीतियों का मैं विरोध करता हूं। आज भी मैं इस बात को मैं कैसे बोलूं कि उनकी सीधी भूमिका है, बट हाँ जिन नेताओं की सीधी भूमिका है वो उन्हीं के पार्टी के लोग हैं, तो उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर आपकी भूमिका है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी बनती है और वो उस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। तो इसीलिए, और जहाँ तक रही बात किसी को क्लीन चिट देने की, मैंने कहा मैं तो फिलहाल अभी इंटरनली इन बातों को मैं सुलझा रहा हूँ। लोक जनशक्ति पार्टी का ये इंटरनल मैटर है, मैं इंटरनली इसको मैं सुलझा रहा हूँ। आने वाले समय में अगर किसी से बात करने की ज़रूरत पड़ेगी, किसी प्लेटफॉर्म पे इन बातों को डिस्कस करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको भी किया जाएगा।